नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी हो। हमें आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। कभी कभी कुछ समय में खुद से ठीक हो जाता है और कभी कभी बहुत लंबे समय तक रहता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा बात करूंगी कि हमारी आंखों में जलन या बर्निंग सेंसेशन के कारण क्या क्या होते हैं, इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आंखों में जलन हो क्या क्या ऐसे घरेलू उपाय हैं जो कि हम अपने घर में आराम से कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें आँखों में जलन होती क्यों है। जो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी एलर्जी। एलर्जी हमें किसी भी चीज़ से हो सकती है। सीजनल एलर्जी कभी कभी पेड़ पौधों से निकलने वाले छोटे छोटे पराकण या पॉलन ग्रेन्स की वजह से होती है। ये पराकण क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हवा में के साथ में तैरते रहते हैं, तो जब भी हम बाहर निकलते हैं या बहुत बार हमारे घर के अंदर भी, ये हमारी आँखों में चले जाते हैं और एलर्जी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी आँखों में जलन करते हैं। उसके अलावा कोई भी केमिकल हो सकता है, जैसे कभी कभी हम मिर्ची वाले हाथ अगर हमारी आँख में लग जाए तो हमें जलन होने लगती है, या फिर अगर कभी साबुन आँखों में चला जाए तो जलन होने लगती है, या कोई भी और केमिकल या कोई भी आई मेकअप हमें आँखों में जलन पैदा कर सकता है। उसके अलावा ब्लेफराइटिस या फिर पलकों का इन्फेक्शन। ब्लेफराइटिस में क्या होता है कि हमारी आँखों में जो टियर फिल्म होती है उसकी कोई एक लेयर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से, और उसके अलावा हमारी आँखों में सूजन आ जाती है और हमारी पलकों से बहुत ज़्यादा कीचड़ निकलता है। तो ये सारा जो इन्फ्लेमेशन या जो सूजन की प्रक्रिया हमारी आँख में चल रही होती है, ये भी हमें आँख में जलन पैदा करती है। तीसरा और जो बहुत कॉमन फैक्टर है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, वो है ड्राई आई। ड्राई आई बहुत सारी वजहों से होती है। बहुत लंबे समय तक अगर आप एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा आई मेकअप के यूज़ से, तो ये भी हमारी आँखों में बर्निंग सेंसेशन या फिर जलन पैदा करती है। और इसकी चौथी और बहुत कॉमन वजह है वो है कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई, जिसे हम लोग आँख आना कहते हैं, ये भी हमारी आँख में जलन पैदा करती है। इन चारों में से ब्लेफराइटिस, एलर्जी और ड्राई आई, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है जो कि हमारी आँखों में जलन या बर्निंग सेंसेशन पैदा करती है। अब इससे बचाव के लिए क्या करें? इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो जो भी एलर्जिन कॉजिंग एजेंट है, जो भी एलर्जिन है, उससे अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस ज़रूर पहनें। सीजनल वेरिएशन में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें, ताकि बाहर से जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो अब आपके घर के अंदर ना आ पाए। जब भी आप कहीं बाहर से अंदर आ रहे हैं तो अपने चेहरे को अच्छी तरीके से, जो नल का पानी है, टैप वाटर है, उससे थोड़ी देर के लिए ज़रूर धोएं, ताकि जो भी एलर्जेंस आपकी आँख में गए हैं वो उस पानी के साथ बह के निकल जाएँ। ये आपकी आँखों को उस बाहर के जो धूल धुआं है और जो पॉलन ग्रेन्स हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ अपनी आँखों पर या उसके चारों तरफ बिल्कुल ना करें। आई मेकअप अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उसको यूज़ करें, लेकिन इंश्योर करिए कि रात में सोने से पहले आप किसी अच्छे मेकअप रिमूवर से उस आई मेकअप को अच्छे से हटा दें। दूसरी बात ये, अपनी आँख को रगड़ेना। आँख को रगड़ने से जो आँख में जो परेशानी होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि रगड़ने से कुछ सेल्स हमारी आँख में फटते हैं, जो कि खुजली या बर्निंग सेंसेशन पैदा करने वाले केमिकल्स को और ज़्यादा रिलीज करते हैं। अच्छी हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने चेहरे को या आँख को टच करने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो लें। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स या गंदगी या बैक्टीरिया हमारे हाथों में लगते हैं, और अगर हम इसको बिना धोए अपने चेहरे को टच करेंगे तो वो सारी चीज़ जो गंदगी हमारे हाथों में है वो हमारी आईज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये भी हमारी आँख में दिक्कत पैदा करेगी। वॉशरूम जाने के बाद और खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं तो तैरते समय अपने स्विम गॉगल्स ज़रूर पहनें, क्योंकि तो पानी को साफ़ करने के लिए या फिर डिसइनफेक्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, जो कि आँख में लाली और एलर्जी पैदा कर सकता है। तो उसके लिए अपने स्विम गॉगल्स ज़रूर पहनें। और अगर आपको ये बर्निंग सेंसेशन या बहुत ज़्यादा आँखों में जलन हो रही है तो क्या ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी आँखों को सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ठंडा सेक दें। ठंडा सेक आप किसी साफ कपड़े को पानी में भिगो कर अपनी आँख के ऊपर रख सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो बर्फ़ को कपड़े में लपेट के उसको भी अपनी आँखों के ऊपर रख सकते हैं।
तो ये आपकी आंखों को थोड़ा सा रिलीफ देगी, ठंडक देगी। उसके अलावा आप अपनी आंख को पानी से धो सकते हैं अगर आप कहीं बाहर से घर पर आ रहे हैं, ताकि जो भी गंदगी आपकी आंख में गई है वो निकल जाए। ओवर द काउंटर बहुत सारी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स अवेलेबल होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स, रिफ्रेश लिक्विजल या फिर सिस्टेन अल्ट्रा। ये भी आपकी आंखों में टीयर सप्लीमेंट की तरह काम करती है, तो ये आपकी आंखों को थोड़ी सी नमी देगी या फिर ठंडक देगी। अगर आपको ब्लेफराइटिस है या पलकों पर इन्फेक्शन है, या फिर आपके पलकों में यहाँ पर कीचड़ सा जम जाता है, तो आप जॉनसन बेबी शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंखों की सफाई के लिए। उसमें आप क्या करेंगे कि भी जॉनसन बेबी शैम्पू है उसको आप अपनी उंगलियों के टिप्स पर लीजिएगा और अपनी पलकों पर हल्के हाथ से ऐसे आप उनको रगड़ के साफ करिएगा। ये ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो पलकें, क्योंकि ऐसे केस में कमज़ोर होती हैं, तो वो टूटेंगी। तो उसको अपने हल्के हाथ से ऐसे रगड़कर नॉर्मल आप टैप वाटर से, हल्के गुनगुने पानी से अपनी आंखों को धो सकते हैं। अगर आपको शरीर में भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो फिर आप खाने वाली एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आँख में कोई भी और दवाई डालनी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के उसको ना इस्तेमाल करिए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।